देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। इरादे फौलादी हो और मन में कुछ कर गुजरने का प्रबल और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है निशुल्क शिक्षण संस्थान उड़ान पाठशाला का संचालन करके। समाज सेवी डॉक्टर राजेश नेगी ने आज मायाकुंड स्थित गरीब बच्चों के लिए खोले गए निशुल्क शिक्षण संस्था के 3 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। उल्लेखनीय है कि गरीब बच्चों को निशुल्क और बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से 3 वर्ष पहले स्कूल की शुरुआत की गई थी। धीरे धीरे विद्यालयों में रचनात्मक गतिविधियों के मामले में इस स्कूल ने न सिर्फ तीर्थ नगरी पब्लिक स्कूल बल्कि उत्तराखंड के तमाम स्कूलों को कोसों पीछे छोड़ दिया। स्कूल के संस्थापक डॉक्टर राजेश नेगी के अनुसार निर्धन बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल खोलने की जब उन्होंने ठानी तो उनके दिमाग में शुरू से ही सरकारी प्राइमरी विद्यालयों की बनाई छवि को बदलने की इच्छा थी। निजी प्रयासों और लोगों के सहयोग के बूते उन्होंने विद्यालय में कुछ बदलाव कराए। इसमें अनेकों लोगों ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। डॉक्टर नेगी के अनुसार अपने 3री वर्षगांठ पर इस स्कूल का शुमार समूचे उत्तराखंड में एक आदर्श स्कूल के तौर पर हो चुका है, जो की एक बड़ी उपलब्धि के समान है। विद्यालय ने कई उपलब्धियाँ हासिल भी की है। ये विद्यालय उत्तराखंड का एकमात्र जो है गढ़वाली पढ़ाने वाला स्कूल है, जहाँ पर बच्चों को हिंदी अंग्रेजी साथ साथ जो है गढ़वाली भाषा भी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर प्रार्थना भी गढ़वाली में होती है। इसके अलावा तमाम समस्त एक्टिविटीज जो बाहर की संस्कृति से हमें जुड़ती है उनको यहाँ पर कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर समय समय पर कई मध्य उत्तराखंड की सेलिब्रिटी और कई ऐसे व्यक्तित्व हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर अभी स्कूल में बच्चों के लिए 6 सेंस एक्टिवेशन का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही कैलीग्राफी भी हम लोग यहाँ पर बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। कुछ अलग चीज़ें बच्चों को मिल सके उसके लिए लगातार निरंतर यहाँ पर स्कूल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये विद्यालय बिल्कुल निःशुल्क विद्यालय है। यहाँ पर बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती। बच्चों को यहाँ पर स्कूल की ओर से यूनिफॉर्म दी जाती है, उनको कॉपी किताबें दी जाती हैं, उनको पानी की बोतल हो चाहे टिफिन बॉक्स हो, समस्त चीज़ें उनको स्कूल से ही प्रोवाइड की जाती है। बच्चों से किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। और इस स्कूल से जुड़ने के लिए हम कोई भी व्यक्ति अगर स्कूल से जुड़ना चाहता है तो 1 रुपये रोजाना या मासिक 30 रुपये या सालाना 365 रुपये दे के विद्यालय से जुड़ सकता है। या फिर अगर वो पैसा नहीं देना चाहता तो अपने घर में जो अखबार की रद्दी होती है उससे भी देकर विद्यालय से जुड़ सकता है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश अमित सूरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।